सब मुसलमान भाई बहनों से, हमारे भाई लोगों से, यंगस्टर से, बुजुर्गों से, इमाम मौजम साहब, मस्जिद के प्रेसिडेंटों से गुजारिश है, इलेक्शन तो आ गया, ठीक है, परसों तो हम हारे, हमारी हुकूमत गया, आप लोग जानते, मगर जो पार्लियामेंट इलेक्शन आया, ये पार्लियामेंट इलेक्शन में ये 5 महीने में मैं मालूम हो गया कि आवाम को ये गवर्नमेंट कुछ करने वाली नहीं। परसों रमजान को देखे, कोई इंतजाम नहीं है, जो हर साल में अपने को गिफ्ट पैकेट देते थे, एक डिनर देते थे, वो कुछ भी नहीं, इंतजाम नहीं हुआ। और शादी मुबारक का 1 लाख रुपए दे तुम बोले, 1 तुना सोना दे तुम बोले, उसका भी इंतजाम नहीं। तो स्टेट में जो पार्लियामेंट, सारे हिंदुस्तान में इलेक्शन जो चल रहा, तो चंद लोग क्या है बोलो तो मुसलमान भाई बहनों से भटकाना शुरू करे, अरे आप वोट कांग्रेस को डालो, बीजेपी का रहो बोल के। मगर यहाँ पर जो सिकंदराबाद पार्लियामेंट में इलेक्शन चल रहा है, बीजेपी बीच में हमारे पद्मराव साहब, हमारे पार्टी के पद्मराव साहब के बीच में इलेक्शन चल रहा, सब लोग जानते। तो किधर भी महलों में, बस्तियों में, किधर भी पूछो, यहां पर सिकंदराबाद पार्लियामेंट बिटवीन बीजेपी को हमारे बीच में चल रहा है इलेक्शन। तो थोड़े लोग, बड़े लोग भटका के, चंद लोग भटका के इनको कांग्रेस वोट डालो बोले तो उनका मकसद क्या है बीजेपी जीतना बोल के। तो अपन वहां इलेक्शन में क्या चल रहा, क्या माहौल है, वो हिसाब में अपन देख के वोट डालना। तो इसीलिए मैं सबसे गुजारिश है, केसीआर साहब कभी भी कभी बस यात्रा शुरू करे, माहौल पूरा बदल गया स्टेट में। तो इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश है, हमारे भाई बहनों से, हमारे बड़े लोगों से, बुजुर्ग लोगों से गुजारिश है कि खार के निशान वोट डाल के पद्मराव साहब को जिताई, तो हम लोग मजबूत रहे तो फायदा होता। कहीं को बोलो तो बिजली का प्रॉब्लम हो गया, करंट का प्रॉब्लम हो गया, और बीजेपी वाले मनमाने बात कर रहे हैं, आप लोग जानते, ये तो सेक्युलर पार्टी है, केसीआर साहब एक सेक्युलर लीडर है, मगर यहाँ पर हमारे पद्मराव साहब कारपोरेटर थे, 2 बार 4 बार एमएलए थे, मिनिस्टर थे, डिप्टी स्पीकर थे, अभी भी सिटिंग एमएलए है, सेक्युलर लीडर है, बहुत सिंपल रहता हूँ। तो हमें साथ दो, हमको मजबूत करो आप, कहीं बोले तो हम लोग जीते तो फायदा है, आवाम के लिए लड़ने वाले हमें, सेकुलरिज्म के लिए लड़ने वाले हमें। तो पद्मराव साहब जीते तो उनका आवाज रहते पार्लियामेंट में। तो इसलिए मेरा गुजारिश है, मैं बड़े लोगों से भी गुजारिश है बोलो तो चंद लोगों से, आप अन्य सारे भटका रहे, कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो बोले तो आपका भटकाने का मतलब मेरा ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम फिर से बीजेपी को जिताओ बोल रहे क्या। इलेक्शन चल रहा, बीजेपी को हमारे बीच में इलेक्शन चल रहा, वहां कहां पर भी मालूम कर ले तो बोलते। तो इसलिए मेरा एक बार फिर एक बार गुजारिश है, हमें साथ दो, बदमाशों को जिताइए। थैंक यू।